ये इरशाद फरमाएं कि अब हम कैसे चेक करें, हमें तो पका पकाया तैयार कढ़ाई गोश्त मिल रहा है, उसको दुकान के बाहर लिखा हुआ हलाल है, या हम किसी फ्रोजन की दुकान पे गए, हमने वहां से कोई पैकेट उठाया उस पर हलाल लिखा है, हम कैसे चेक करें कि ये मुसलमान से कटा नहीं कटा, उसने वहां तकबीर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बीच में किसी गैर मुस्लिम के हाथ में गया कि नहीं गया। एक आम मुसलमान के लिए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? इसमें जो सबसे मोहतात तरीन सूरत है वो तो जहां पर वो मुयस्सर आ सके वो तो वहीं पर होगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे कि हमें तो डायरेक्टली जो है वो हम तो जाके गोश्त खरीदते अपनी आंखों के सामने, मुर्गी है तो आंखों के सामने जबा करवा के ले आए, जहां जहां तो ये मुमकिन है वहां तो सीधी जो है वो यही सूरत इख्तियार की जाए। जो मुस्लिम ममालिक है जहां पर हलाल गालिब है कि वहां मुसलमान के हाथ का जबा करदा गोश्त ही मिलता है, गालिब यही मिलता है, तो वहां पर तो उमूमी तौर पे उसी का एतबार करके गोश्त ले लेंगे और वो हलाल होगा। जहां पर मशीनी जबीहा की कसरत है या जहां पर गैर मुस्लिम गैर किताबी के जबीहे की कसरत है, वहां पर इन चीजों का ख्याल करना और इसकी तहकीक करना जरूरी है, वहां पर इसके बगैर नहीं ले सकते। तो अब मिसाल के तौर पे मुल्क इस्लामी है लेकिन वहां मार्केट में मिलने वाला गोश्त अक्सरों बेशतर वही है जो हराम की सूरत है, तो अब वहां पर बाकायदा तहकीक करना जरूरी है, बगैर तहकीक के अब गोश्त वहां नहीं खा सकते।